हम तेरा। अरे शिव शंकर का सेवक हो गए फिर चोरी का की काम तेरा। एक दिन धनुष तोड़ने को तू जनकपुरी में आया था वो यानी तू। अरे दबगी बुझा धनुष के नीचे फिर बल तेरा अजमाया था। उस दिन ताकत कट गई तू आकर के पछताया था। रामचंद्र जी रघुवंशी ने तेरा गेल छुटाया था। बावला भूल गयो लहरदा दिन सब ताकत बेकार गई तू आकर के पछताया था। उस दिन ताकत कटे गई तू करवाया बदनाम तेरा। शिव शंकर का सेवक हो गए फिर चोरी गा के। सीता जी कहन लगी रावण काल शीश पर छाया तेरे। रावण तेरो काल आ गयो जकम दोरा नहीं है। काल शीश पर छाया तेरे खोटी बात विचारी ते बन में आगे जोर दिखावे देख अकेली नारी तू। मान मान रे दुष्ट मान जा भूल करे से भारी तू। ओ जान बूझ के कुबद कमावे लेता मोल बीमारी तू। उजड़ जावे दी सोने की लंका खपसी कुटम तमाम तेरा। शिव शंकर का सेवक हो गए चोरी गा के काम तेरा। चोरी कर गए चोर कहलावे सूरवीर कहलाने वाला। पर नारी पर घात करे ब्राह्मण सोना कलस उठाने वाला। नजर उठा के देख सामने राम लखन आने वाला। हरि नारायण सिंह नोर का नई रंग तब बनाने वाला। अरे बुरी भावना दिल से दस दे सुधर जावेला काम तेरा। शिव शंकर का सेवक हो गए चोरी का के काम तेरा। सजनाओ रावण अहंकार में भरियोडो मन नारी जी कोनी। माता सीता ने अपने विमान से आकाश मार्ग तक सजनो लंका ले जिए। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कुटिया में आए। कुटिया सुनी दिखाई दी है सजनो। सीता जी ने ढूंढता फिर नजर नहीं आवे। हाय सीता री आवाज लगा रही है। बंद में ढूंढता फिर सीता जी को रावण ले गया ढूंढे श्री भगवान ने। पता नहीं दुष्ट कौन किसी पर चलाऊं बाण है। ऋषि मुख पहाड़ ऊपर आए मिले हनुमान। हनुमान ऋषि मुख पर्वत रुके करना आया सजनो। हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का रूप बना सामने आया। वार्ता करी थे कौन हो दो बनवासी की कर घूम रिया हो वन में। भगवान श्री रामचंद्र जी सारी बात बताई। इया इया करके मैं 14 वर्ष रो बनवास काटन आया। सीता को हरण हो गयो। हाथ जोड़ के बजरंग बली प्रणाम करियो भगवान सगी रूप बनायो। दोनों हाथ जोड़ करके दंडवता प्रणाम किया। सीता जी का मिलिया हर राम को दिखाई दिया। मित्रता सुग्रीव से करी बजरंग मिलाई करके। सजनों सुग्रीव पहाड़ के ऊपर रह करते हो। बाली सुग्रीव दो भाई या सजनों सुग्रीव ने निकाल दियो गयो पहाड़ पर आगे रह करते हो। वानरांगो राजा सुग्रीव भगवान ने हनुमान जी महाराज कहन लगे भगवान मैं थाने मारे राजा से मिला दे उसके बैठारो इन कार्य में सहयोग कर दे। भगवान राजी हुए भाई राजा से मिलाओगे तो कार्य में सहयोग हो। भगवान राजा की मन में सोच के पहाड़ पर आवा आगे आया जो सुग्रीव आते ही पौन लाग रही। भगवान कहने लगे हनुमान इधर कहने लग रही राजा से मिला दियो आते रोटियां सेक कौन है मेरा डिपार्टमेंट है। हनुमान जी कहने लग गया भगवान यही है मारा तो राजा। भगवान पूछना करी सुग्रीव आप राजा हो आप पहाड़ पे क्यों रहो। सुग्रीव सारी बात बताओ भगवान। भगवान पंपापुरी राजनाथ बाली मेरा भाई जी दुष्ट नीच धोखाधारी दया जरा नहीं जी नहीं जी राजपाट खोस लिया मेरी कर दी पिटाई जी। हे भगवान मेरो राजपाट खोस के मेरो भाई मन बटे से निकाल दिया और मेरा जो भी बच्चा है मेरा उस राज में ही रह गया है। भगवान कहने लगे रे सुग्रीव आपा तो एक ही डॉक्टर मैं पहले कार्य में आपकी मदद करूं विश्व बात है मेरी मदद कर दीजियो। सुग्रीव हाथ जोड़िया जरूर भगवान। भगवान सुग्रीव ने कहो सुग्रीव आप जाओ आप रे भाई बाली के सागे युद्ध करो। जी ही वो मारे सामने आओगे मैं बिना बाण मारूंगा।
सजनाओं सुग्रीव ने मतंग ऋषि को केड़ो सुग्रीव किंगी बातम ना जी बाली ने जकोई मार्च गए जकोई पहाड़ के ऊपर तीन ताड़ का वृक्ष खड़े ने अन एक बाण गए मां अगर बिंद दे जको बंदो या मान ली बाली ने मार दे बाकी बाली के सीध में ना जी बाली सजनाओं बहुत बड़ो बलवान हो रावण ने कोई तो कह 6 महीना पूंछ के बांध के रखियो रखियो नहीं रखियो ध्यान बतावे है बहुत बड़ो बलवान हो बाली सुग्रीव ने सजनाओं भगवान रामचंद्र जी बाली के करने भेजे बाली जागे सुग्रीव ने ललकारियो सुग्रीव जागे बाली ने ललकारियो है बाली मन में विचार करियो हाँ सुग्रीव अगर आज पहाड़ों नीचे आयो तो कोई न कोई राज है आपा क्या करानी टोकड़ियों कूदे तो खूंटे के तान कूदे कोई न कोई सुग्रीव ने खूंटो जरूर मिलियो है सजनाओं दोनों भाई आपस में युद्ध हो गयो है बाली में सजनाओं एक कला होया करती आधी ताकत लड़तो लड़तो आग लगी आपने खींच लिया करती दोनों भाई सकल का एक सा भगवान श्री रामचंद्र बाण ताने खड़े है संशय हो गयो भाई मारा किसे भाई चांस बाण चला दियो अगर सुग्रीव के ला गयो तो कोई निशानी को नहीं दोनों भाई एक सा सजनाओं युद्ध हो गयो युद्ध होता होता बाली सुग्रीव की आधी ताकत है खींच गई सुग्रीव मन में विचार करियो सहयोग कोई कौन करे वड़ा मारेगा जकम रोलो कौन कौन नहीं सुग्रीव भी एक दाव जान को सनो पग दाब के नीचे निकल तो जान सुग्रीव दाब के गोडो नीचे निकल के भागे वापस भी ऋषि मुख पर्वत पर आ गया भगवान ने कहन लागयो भगवान बेली पोवे तो थारे बरगो है मान गयो कन्ने खड़ के गुटाओ घरे बैठेगा मगर गुटा दिया देखो चौकी बुली आते पो के टाइम पास कर भगवान कहन लागया सुग्रीव अब दोनों भाई सकल का एक सा सुग्रीव मेरे संशय हो गयो मैं बाण चलाऊं अगर भाई चांस तेरे लग जाता तो सुग्रीव का कोई बात नहीं भगवान थार लोकार ये करा माने जरूरत को नहीं मारे राज पार्टी चलो थारो ही सहयोग करा भगवान श्री रामचंद्र जी माला दी सुग्रीव आ माला घाल के दोबारा जाओ ये माला की मेरे निशानी हो जाएगी अब की बार बाली का बाण जरूर लग जियो सुग्रीव हाथ जोड़िया भगवान दूसरा कौन जाऊं कुटी जड़ो उड़ जाए सजनों कुटी जड़ो आदमी जाए कौन दूसरा माला मुला टेम ही कोला गण दे तोड़ के फेंक दे भगवान राम के सुग्रीव अभी माला में खींच के देखो सुग्रीव सजनाओं माला ने बधाई है माला पूरी बद गई जी छोटी वापिस आगे गले के सिख दी सुग्रीव मन में विचार करियो कुछ ना कुछ शक्ति तो है सुग्रीव के भगवान आप एक बाण चला गए तीन ताड़ का वृक्ष अगर बिंदो तो मैं दोबारा जाऊं नहीं तो आज जाऊं ना कोई सजनाओं भगवान श्री रामचंद्र जी का एक बाण से वह तीन ताड़ का वृक्ष बनती है सभी कहो रामचंद्र भगवान ने की जय हो सजनाओं बाली और सुग्रीव वापिस दोनों को युद्ध हुए है बाली और सुग्रीव दोनों आपस में बिढ़ाई दिया वृक्ष ओले होके बाण सांप पे चढ़ाई दिया राम ने चला के बाण दुष्ट को उड़ाई दिया बेरी सुग्रीव ये आपका काम नहीं अरे चुप करके लगाया बाण बड़ाई का नाम नहीं मुक्ति कर दीजिए नाथ दरगाह में अपमान नहीं भगवान मेरी मुक्ति कर दियो दरगाह में कोई अपमान नहीं भगवान रामचंद्र जी कहने लगे अरे बाली अनुज वधु सुता भगनी देखे कूट नीति से भाई की जो स्त्री हड़पे घोर पाप नीति से उसके वध का दोष नहीं चार वेद नीति से बाली ते काम ये डकड़िया तेरो वध होनो ही हो अगर तने जीवित होनो है तो मेरे पास शक्ति है मैं जीवित भी तने कर सकूं क्या इनसे बता दे बाली मन में विचार करियो मरनो तो एक दिन है आज खुद भगवान सामने खड़े हो इसो मौको दोबारा मिलनो कोनी बाली कहो भगवान मन जीवित नहीं होनो मेरी एक अर्जी है बोल बाली मेरो पुत्र है अंगद बिन आपकी शरण में लेओ आपको कार्य सारने में भूमिका मैं निभाओगे अंगद सजनो बाली को पुत्र जको रावण के दरबार में जाके पग रोपियो अंगद भी कम चीज को नहीं भगवान श्री राम कहो जरूर बाली का तमाम काम सुखी सुग्रीव किया राज अंदर प्रजा सुखी प्रभु को प्रणाम किया सीता की सुधि का बीड़ा हाथ में हनुमान लिया सीता जी की सुधि को बीड़ो हाथ में हनुमान ले हनुमान जी महाराज लहरी लेरे बैठे बल भुलेड़ा चौकी महामुनि जी महात्मा को श्राप लागोड़ो सजनो बल भुला दियो गयो और एक वरदान भी दियोड़ो भाई तने बिड़दा या बल जाग जया कपि हो गयो संतमति को तेरा भूत भरम सब जाग जया भज बजरंग बाल को अगर तेरो बल कोई बिड़दा सी तो तने जरूर याद है जामवंत जी
सभी समुद्र के किनारे आ गए हैं। एक मुद्रिका भगवान राम दिंदी भाई लंका कुंज जा सके, लंका को नाम लियो सब बंदर चुप हो गया, भगवान लंका पार कर। सात समुद्र पार करना हंसी खेल की बात नहीं। हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी बल याद करावे, हनुमान हनुमान लहरी लहरे बैठे है, भगवान श्री रामचंद्र जी को कार्य सारण वास्ते आयो, आज मौको आयो है, लहरे चुपचाप बैठे है। हनुमान जी ने सजनों बल याद करावे, वीर बलि ने बल याद आज सजनों। मुद्रिका ले गए और लंका जाने की तैयारी करे, लगा के सिया राम को जयकारो, किन भांदी लंका जावे कि आगे लीला हनुमान जी गड़े लंका पूरी में जाने को गड़े आपने भी रूचड़ो सो नहीं बैठनो, कम से कम तालियां में तो सहयोग करो। जियो जियो
आथलो हेलो ओ छट प्यार होया हनु मान जी गंड लंक पूरी जाने को हे छट प्यार होया हनु मान जी गंड लंक पूरी जाने को जियो जोड़ी बजरंगबली की।